हमार बाबा हमसे एगो बात कह सकी जंत्र बबुआ दुई नाई पर चढ़ा ना और फाट कर मरा ना। तो सलाम हम बानी भैया जीत कुमार रवा सब चालू कर दिल बानी हन्ने उस तक भोजपुरी। तो अब हम बात करम रवि किशन के बारे में। भैया रवि किशन के बारे में हम बात करम, रवि किशन शुक्ला। हाँ टाइटलो लिखलन, पहले खाली रवि किशन लिख तो इनका लाइक यार हमारे जती है तो छुप जाता है लोग, बहुत लोग जान ना पे हम शुक्ला हई बांडे जी हई। तो बाद में रवि किशन शुक्ला ये लिखे चालू कर दिलन ऑफिशियल। तो रवि किशन शुक्ला जी के पाठक जी के वाला कहानी हम बतावे वाला बानी। असल बता दी कि अभी हाल ही में दिनेश लाल निरहुआ के पत्नी अम्रपाली दुबे निकल के सामने आई है। तो रवि किशन के भी एगो पत्नी निकल के आ गोली अनपणा ठाकुर करके कोनो बाड़ी। हाँ बता दी कि ये केस कितना सही बा कितना ना इन वाला डिसाइड कर। तो सर बता दे रहे कि लखनऊ ऐली है अनपणा ठाकुर जो मुंबई के ही, और अपन आपके बता रहा बड़ी कि हम एगो पेशा से पत्रकार रहनी 1995 में हमने के मिलर रहनी जा, और ओकरा बाद से हमने के बीच थोड़ा बहुत प्यार के सुगबुगाहट होके लागल, हमने के आपस में घरे आवे जाए लगल जा मेल मिलाप होके लागल, और फिर भैया 96 में नज़दीकियाँ बढ़ल और शादी भी हमने के मतलब हमने के घर के आदमी और कुछ मतलब दोस्त मित्र के साथ शादी कैलन सिंदूर लगा के, और हमारे एगो बच्ची भी बिया। हाँ बच्ची भी बिया जो के नाम बाटे सुनवा, कहीं सहायक उनका टेढ़मेढ़ नाम है भैया। तो वो बच्ची भी बिया और अपन लड़की के भी लेके आई बड़ी, और लड़की के भी लेके आई, लड़की कहते रही कि हमारा घर हमेशा रवि किशन जी आवत रहा हम करा के हमने के चाचा चाचा कहते रहने जा। बाद में मालूम चल रहा कि वो हमारे पिताजी हवन, उनका से हम कई बार मतलब फिल्म में मतलब काम दिलवा दी ए तरह के बात करी, तो हमके ना दिलवावत रहन। एक बार लारा दत्ता के, हाँ लारा दत्ता के कोनो फिल्म रहे ओमे हम रवि किशन के ही बेटी के ही रोल के रहनी, लेकिन ओकरा खातिर हम ऑडिशन दे के फिट भर रहनी तब जाके हमके वो रोल मिल रहे। तो फाइनली फाइनली अब बता दी कि आज के सूचना बटे कि मतलब अनपणा ठाकुर और ही 5 जना और ही जा पाई कर लैकी और ही 4 जना और ही जाना लोग पर केस कैले बढ़न रवि किशन। हाँ केस कैले बढ़न रवि किशन, और बताओ तो कि सब फेक होवे, लेकिन हम कहीं नहीं के बुझात कि फेक केहू कैसे तो के कोई दे कि तू हमार मर दो मर दे है बिना ताली बजले आवाज वाज करेला एकदम ना करेला, बिना ठूस ठास कैले गैस मौकेला तो नौकियों ना मौकेला। अब देखो इमें कितना मौकत आ कितना नहीं मौकत, और केस भइल बा तो का खुलासा हुई का ना ये सब कुछ मालूम चल जाए। और ऐसे भी केहू मतलब खुलियाम आके तो भाई केहू कोई ना ठीक बाटे, केहू ये तरह अपन पोस्ट डाल के अगर कहत रही तो समझ में आवत बटे, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के तो कुछ काम केहू कोई ना, लेकिन फिर भी हो रहा बटे। तब इमें कितना सच्चाई बा कितना रवि किशन सच बढ़ कितना अनपणा ठाकुर सच बढ़ी, अब ये दोनों जाना ही बता सकत रहन जाए भैया, दोनों जाना ही बता सकत रहन जाए। तो अब फाइनली रवि किशन भाई ये जगह उनका में आ रही भैया, वो जगह में आ रही भैया। तो अब बताओ जाए लोग खुद ही चरित्र के मय सीमा लांग के, और फिर लोगों के चरित्र समझाओ तुरंत जा सनातन समझाओ तुरंत जा, फिर का ही कहल जाओ यार। उन्हें दिनेश लाल निरहुआ के ही देखते रहो, भद्राचार्य जी कहते रहो तुम्हारी बहिन है, वो कहते रही अरे अभी बहिन कहाँ रही, मतलब पहले ही बहिन मानत रहन और बाद में बहिन छोड़ा के कुछ और ही मान लग यार हद हो गई बटे। अब ऐसा कुल लोग देश चलावत रहन, ऐसा कुल लोग कानून बनावत रहन, ऐसा कुल लोग ज्ञान पेलत रहन, तो अजीब लागत भैया अजीब लागत बटे। अब फाइनली चुनाव में इनके मतलब मुद्दा से कितना इफेक्टेड पड़ी कितना ना अब रहो लोग जानते, बाकी देखते रहें निस्तक भोजपुरी, बाकी रहम जीत सलाम।